देखो भाई तो यहाँ पे खिला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सासू जी की आवाज आ रही है। तो आज एक बार फिर से बन रही है चून की रोटी, तो आज मम्मी को भी जो है चून की रोटी खिलाएंगे। जैसा कि अभी मम्मी ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, अभी चलती हूँ अंदर। तो ये बैठा है वैदिक बेटा, नानी को जय करो। जय अले कर दिया, पा भी कर दिया, ध्यान उसमें। हाँ तो बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने बिल्कुल ऐसा सरप्राइज दे दिया, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। कह रहे वो कोई लेने के लिए नहीं आया, मैं तो बताया नहीं किसी को, तो लेने के लिए फोन आया। ये देखो सरप्राइज देने के चक्कर में मम्मी मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक पैदल आई है। मैं वही कह रही बता देते, राजेंद्र नगर से पैदल आई मम्मी, बताओ सरप्राइज देने के चक्कर में, इतनी धूप में मम्मी बता देते आ जाते लेने। ये हर हर शंभू की ड्रेस है। नहीं नहीं उसकी है, अच्छा काशी की है। अच्छा अच्छा ये डंगरी है ना, हाँ जो डंगरी के टॉप होते थोड़े छोटे होते हैं। अरे वाह सुंदर लग रही है बहुत, शाम को। हाँ 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 अरे वाह ये किसकी है, छोटी की है ये तो बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, हाँ पाँच छह महीने जैसे सैली जितनी आराम से रही। वाह कितनी प्यारी लग रही है, ये मैं नए टाइप की मिला रही। नहीं नहीं अच्छी लग रही है, स्कर्ट अच्छी लग रही है, पर फ्रॉक भी बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो शंभू की ड्रेस। क्या है, क्या लाए बेटा पापा? क्या है ये? ये बस लग गए अपने काम पे। और आपने एक चीज नोटिस करी क्या, एसी चल गया आज। मम्मी को इतनी गर्मी लगती है, हाँ सूट मैंने ही मना किया, मैंने कहा अभी रुक जाओ थोड़ी देर में पहनेंगे सूट। तो यहाँ पे कांशुर वैदिक ने सारे वो खेल खिला दिए, एबीसीडी 1 2 3, और नानी के साथ बैठ के दोनों मिलके मतलब खेल रहे हैं। और मम्मी ये कपड़े लेके आई थी, कपड़े खोलने से पहले मैं एक चीज बता दूं। तो दोस्तों आप सब लोग पूछ रहे थे कि वाणी के नामकरण में मम्मी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी मम्मी अंजलि, आपकी मम्मी क्यों नहीं आई वाणी के नामकरण में। तो रीजन ये था कि मम्मी उस दिन मतलब फैमिली में रिटायरमेंट पार्टी थी, तो वहां गए हुए थे, इसलिए वाणी के नामकरण में नहीं आ पाई थी। तो इसीलिए मम्मी ने सोचा क्यों ना आज आया जाए। तो उन्होंने सोचा ना हर उसमें तो मम्मी पहुंचती है, पूछा कि भाई यार उसमें तो मम्मी आती है तो क्यों नहीं। तो मम्मी कपड़े लेके आई हैं वैदिक और उसके लिए सैली के लिए, मतलब ये बर्थडे एक का हो फ्री में तीन, बाकी ये तीनों को कपड़े मिलेगा। वैसे ही होगा, सैली का होगा तो तीनों को मिलेगा, वैदिक का होगा बाकी तीनों को मिलेगा। बच्चों के लिए कपड़े आ गए हैं, एक का बर्थडे होता है हाँ, सब माला माल हो जाते हैं। एक 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 के साथ साथ सबकी दशा बदल जाती है। अच्छी बात है ना, भगवान ने देणो रार बस यार, बिल्कुल सही बात। तो ये येलो कलर की टी शर्ट लाई है मम्मी, और येलो तो मेरा फेवरेट कलर है ही कपड़ों में। अच्छा वैदिक के लिए, हाँ वैदिक के लिए। और यह निक्कत, इसमें शेर नहीं बना हुआ, शेर नहीं बना हुआ, शेर तुम्हारा नॉन काम शेर थे, बब्बर शेर, बब्बर शेर। और ये सैली के लिए लेके आई मम्मी, कहते बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है, फिट बहुत सुंदर है, फिट तो नहीं है लेकिन बड़ी है। मैंने वही बोला फिट नहीं है, अभी जब जिसने चलने लग जाएगी ना प्रॉपर या खड़ी होने लग जाएगी तब पहनूंगी मैं। लेकिन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रही है ड्रेस, बहुत प्यारे लग रही है। इसका बर्थडे आएगा ना तब पहनेंगे, रात में केक कटिंग करेंगे। और काशी चमाचम बादाम चमकाए जा रही है बेटा, अभी दाल खिलाना होगा, लगाना पड़ता तो भी दाल नहीं खाते। अरे देखो बेटा नहीं
पेट खराब हो जाएगा। हाँ पेट खराब, पता नहीं तू आज बाहर काशी और बाहर घूम रही हूँ। और वो क्या कर रहा है देखना उसको, वो अपना अलग ही लगा पड़ा है। काजू आज किसका बर्थडे है, आज किसका बर्थडे, किसका बर्थडे कौन कौन लेके आया बेटा? अच्छा पहले बता, सबको बता। सुनो सुनो मेरे को बताओ कौन लेके आया। नैनी और क्या लाए, ये कौन लाया? जोर से बोलना, जब चिल्लाता तब कितने जोर से चिल्लाता है तू। तेरी बस आ गया आ गया। तो अभी हम आए रोज की तरह बाहर घूमने और आज मम्मी भी आई है हमारे साथ और साथ ही साथ जो हमारी गाड़ी भी धुल रही है क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है हम जाने वाले हैं। पता नहीं जनरेटर चल रहा है आज, आ भी रही होगी या नहीं। डीजे बज रहा है, डीजे बज रहा है। अभी हम मम्मी को लेके आए हैं घर दिखाने के लिए और मम्मी देख रही हैं कमरा कहाँ है, रूम कहाँ है, किचन कहाँ है, डाइनिंग हॉल कहाँ है, ये सब। मम्मी देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, अभी तो बना भी नहीं है तब भी अच्छा लग रहा है ना। सही में देख देख के बहुत मजा आता है। हाँ खुला है, मतलब मम्मी के बालकनी भी बड़ी है और अंदर हॉल भी बड़े हैं काफी, तो वही सब अभी देख रहे हैं हम। अभी बालकनी में खड़े हैं। ये बस जो है अभी गाड़ी साफ हो रही है, कुछ गाड़ी में से निकाल के लाए हैं क्या? आइए गाड़ी में गया था मैं तो हाँ। मतलब वहाँ पे मिला था मुझे रिटर्न गिफ्ट, गाड़ी में रखा हुआ था रिटर्न गिफ्ट, तो अभी अभी आ जाए मुझे। अबे यार 3 दिन से तो मिठाई का डब्बा सड़ गया। नहीं। अच्छा घर चल के देखते हैं इसमें है क्या। आ जाओ चलो चलो यार इसको पकड़ लो यार गाड़ी। तो इसमें मिले हैं बेसन के लड्डू और इसमें क्या है, और इसमें मिली है बेडशीट, ये वाली बेडशीट है। बेडशीट भी काफी अच्छी है। और ये हम कहाँ बिछाएंगे, कहाँ? हाँ अब मम्मी के मैं बिछाऊंगी काशु। तो यहाँ पे जो है काशु रेडी हो गया है फॉर बर्थडे। और ये देखो सैली को देखो, सैली रोती है कपड़े बदलाते समय। ये हो गई है शैलू परी तैयार है ना, ये आज ब्लैक परी बनी है। ब्लैक परी उत्तरी उत्तरी उसमें फोन में यहाँ पर सब हो चुके हैं हम रेडी और वैदिक भी रेडी हो चुका है, बस अब चलते हैं। और यहाँ पर मोस्टली सब लोगों ने ज्यादा करके पिंक ही पहना हुआ है, पिंक और दो हम लोग तो वाइट है। हाँ हम तो वाइट है, हम दोनों वाइट हो गए और आगे सारे पिंक ही हैं। हाँ बाकी मम्मी ने पिंक पहना है, सासू को तो कलर नहीं अलग है, कोई नहीं वाला येलो येलो। हाँ येलो पहना हुआ है। सैली भी तो रेड है, सैली डिफरेंट है। हाँ सैली भी डिफरेंट है। और हाँ एक चीज और, सैली को पहले ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनाई थी तो उसको काफी चुभ रही थी और रो रही थी, इसलिए उसके ड्रेस जो है चेंज कर दिया हमने। अच्छा बस अभी चलते हैं बाहर हम डिनर पे। किसका बर्थडे है वैदिक भाई? हाँ किसका है बर्थडे? किसका पहले वो बोलता था आशी आशी, अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो सासी बोलता है, फिर कासी बोलेगा लास्ट में, थोड़े दिन बाद कासी बोलेगा। दीदी बुलाना थोड़े दिन बाद। ओ दीदी तो बचपन में बोल रहा था कासी लगाओ। अरे वाह 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आशी, हैप्पी बर्थडे टू यू हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू काशी। खा ले बेटा, काशी खिलाएगी, काशी खिलाएगी, काशी खिला ले 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 ले। उसके बाद खुद ही चाट लिया, उसको भी कितना शौक है वैदिक को केक खिलाने का। वैदिक ने सोच
जा, नानी कैसे छूट गई नानी को, ऐसी ऐसी सानी कर लो मैं। जैसे आप नहीं खाते ना, मैं भी नहीं खाती। हां तो केक काटने से पहले हम जो है काशी को दे देते हैं सारा केक। देखो बेटा, अब ये पिंक है नहीं है पता नहीं है, पर खोलने के बाद पता चलेगा। पैकेट पिंक है पर। अरे वाह, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग यहीं पे हो गई। ये तो शंभू का है। कैसे वेट किया उसने, देखा दूसरा। बोलो काशु थैंक यू। अरे वाह, काशु के लिए वो आगे क्या बोलते थे, चटकिले क्या बोलते हैं, मेरा भाई बोलता था छोटे में चटकिले। इसको हाँ, इसको इसको तो अलग ही लगेगी पहन के, पार्टी वाली हिप हॉप हिप हॉप। ओ तेरी, देख कैसे रही हो, अरे खिला दो। खिला दो, चाट लिया उसने। तोता पापा उसमें जेंडर नहीं है। आज काशु को 3 साल की हो चुकी है, तो काशु को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही हम बर्थडे मनाते रहे, और जैसे आज एनिवर्सरी भी है भाई की, तो हैप्पी एनिवर्सरी। हम उसके लिए काटेंगे अभी, तो बस काशु को बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। एक और गिफ्ट लेके आते हैं काशु के लिए। हां बेटा, तो काशु के लिए ना ये पहले हम ले आए थे शूज, जैसे कि लाली के शूज लेने गए थे, तो उसने पिंक पिंक, और ये तो मुझे पता ही था कि वो पिंक को अपने बर्थडे पे पहनने वाली है। नहीं, वो लेके भी काफी सारे सूट लेके आया था, लेकिन काशी को यही पसंद आया, और काशी को नहीं, हमको भी ये बहुत पसंद आया था। अभी पार्टी में यही पहना के ले जाए, यही पहना, क्योंकि इसमें ना इसमें लाइट भी है, मतलब नीचे जो चलते हैं। देख लिया उसने, देख लिया, देख लिया। अब उसको छोड़ के बस निकल चुके हैं हम। हाँ बेटा, अभी लगेगा। यहाँ वैदिक है, नानी है, मैं हूँ, आगे पापा है, सैली है, और ये है गाड़ी, ये चला रहे गाड़ी, और भैया ताऊ जी, भैया ताऊ जी कह रहे हैं, वैदिक के ताऊ, भैया दीदी और काशी मम्मी गए उसमें कैब में। तो बस अभी मम्मी आपको हम नई जगह लेके जाएंगे आज। अच्छा, अभी गरम गरम बोल रहे हैं। नहीं, गरम गरम में नहीं लेके जा रहे हैं, सैली की नानी दूसरी जगह जाएगी। सैली की नानी नई जगह, मामा भी याद आ रहे हैं आएंगे। तो आज हम जो है गरम धर्म नहीं आए हैं, आज हम आए अंगीठी में, तो ये नया खुला है अंगीठी। हाँ, तो नई जगह में आए हैं, नई जगह देखते हैं आके कैसा है अंगीठी। वैसे काफी अच्छा लग रहा है देख के, तो सजावट भी काफी अच्छी कर रखी है यहाँ पे यार। क्या क्या कर रहे हैं, देख वैदिक कौन आया, देख कौन आया वैदिक, देख अरे कौन आया, कौन आया वैदिक, तो सैली अभी मामा के साथ है। खाना रोने हो, देखो रोने सब, सन्नौन ने मुझे पकड़ लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेशन कितनी अच्छी हो रही है ना, बैक में जो ये लगे हुए हैं लैंप, और सबसे अच्छा ये जो झूमर लगा हुआ है, यूनिक सा लग रहा है, और ऊपर चारपाई के वो लगे हुए, चारपाई के, इसी तभी तो इसका नाम है अंगीठी, पलंग। हाँ अंगीठी, हाँ अंगीठी वाला लुक बना रखा पूरा, और बीच में बलून लगे हुए हैं, और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है यहाँ पे प्रॉपर, काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। हाँ
आज हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे आए हैं तो इसलिए यहाँ पे आए हैं, देखते हैं खाना कितना टेस्टी होता है। अगर टेस्टी होगा तो यहीं पे आएंगे, यहीं आएंगे। हाँ कुछ के बर्थडे को यहीं लेके आएंगे। हाँ जो ऊपर है ना बाद में दिखाएंगे। सैल्यू को ना मामा पसंद नहीं आया। हाँ इन थाली में भी लिखा है अंगीठी ढावा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। सैल्यू को मामा पसंद नहीं आया, रोने लग गए। यहाँ तो बड़ा मामा पसंद आता है, छोटा मामा बदनाम कर रहा है, जादू है। ये चौमिन आ गया है और ये आ गया मटर मशरूम, ये फ्राइड राइस। स्टार्ट करें? स्टार्ट करो। इतनी तेज भूख लग रही है ना, सोचती हूं कब शुरू करूं मैं। अच्छा ये देखो काटो, अच्छा भी आ गए यहां पे। आ जाओ कम। ये अब लग गए दोनों खिलौने देखने में। ये खाना खाने के बाद आ गए यहाँ पे किंडर जॉय के पास। अभी हमारा किंडर जॉय निकालेंगे। चलो चलो सारे यहाँ। अच्छा लाओ दिखाओ क्या लिया। पिंक पिंक। नन्नू ने क्या लिया? नन्नू ने येलो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे पापा सोच रहे थे मैं सो जाता हूँ, सबको चाहे कोई सोए ना सोए, पर वैदिक और काजवी ने तो पतोल दिया ना पापा को। सही कह रहे, सो के दिखाओ तुम। अरे दोनों चढ़े हुए थे अभी तो, वो तो उतर गया अब। कागज लेके और बैठी हुई है। हाँ सर पे चढ़ रहे कागज लेके कभी कुछ। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग को एंड। आप फोटोज एंजॉय कीजिए एंड व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।